भागलपुर में पीजी सेमेस्टर दो हॉस्टल के छात्र मयंक को कल पेट में अचानक असहनीय दर्द हुआ और वह इलाज के लिए विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, परंतु वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर उसे उचित इलाज के लिए मायागंज ले जाया गया। इलाज के दौरान मयंक की मृत्यु मायागंज अस्पताल में हो गई। इसी बाबत विश्वविद्यालय के छात्रावास के सभी छात्र इस बात से काफी मर्माहत हैं और आज उन्होंने प्रशासनिक भवन विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया। मीडिया से बात करते हुए शोध के छात्र सौरभ राणा ने बताया कि विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था इतनी जर्जर स्थिति में है कि वहां जब छात्र जाते हैं उन्हें वहां ना तो दवाइयां मिल पाती है और ना ही डॉक्टर मिलते हैं। इसके अभाव में छात्र की मृत्यु हो जा रही है। आज मयंक इसी जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था का शिकार हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था रहता तो मयंक के साथ यह अप्रिय घटना नहीं घटती। यह आकस्मिक मौत नहीं है, यह हत्या है और विश्वविद्यालय की लचर व्यवस्था के चलते यह हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि मयंक का गुनाहगार अगर कोई है तो वह विश्वविद्यालय है। सभी छात्रों ने मयंक की मौत को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के घोर उदासीन रवैये को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए उचित न्याय की बात कही है। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। हॉस्टल में छात्रों का कब तक मौत होगी? विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब दो। आज देख रहे हैं सारे छात्र यहाँ विश्वविद्यालय के छात्रावास के छात्र उपस्थित हैं, सभी मर्माहत है क्योंकि पिछले दिनों जो है एक छात्र मयंक का मृत्यु हो गई और तमाम तरह की बेबुनियाद अटकलें लगाई जा रही है। कोई कह रहे हैं कि जो है शराब पी करके, जहरीली शराब पर के पी करके मर रहा है, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई आत्महत्या तक सोशल वेबसाइट पर लिख रहे हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय पदाधिकारी इसकी सूचना तक ये नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जर्जर स्थिति खराब है वहाँ की कि वहाँ के छात्र जाते हैं ना तो वहाँ दवाई मिलता है ना कोई डॉक्टर मिलता है। इसके अभाव में छात्र की मृत्यु होती जा रही है और लगातार मृत्यु हो रही है। विश्वविद्यालय में छात्रों की लगातार मृत्यु हो रही है और विश्वविद्यालय के कान में जूं तक नहीं रेंगती है। आज कितना 6 मंथ हो गया है, कुलपति यहाँ विश्वविद्यालय में आते तक नहीं है। छात्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जो छात्रावास में रह रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ उसकी घनघोर कमी है छात्र। इसलिए आज हम लोग यहाँ आक्रोशित हैं और पूरा स्थिति जो है हॉस्टल की खराब हो गई है, जिससे हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। आगे जब तक कि हम लोगों को जो है उचित न्याय नहीं मिल जाता है, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आ जाता, आखिर ये हत्या होती क्यों है? ये विश्वविद्यालय की हत्या है, एक साजिश है विश्व छात्रों को मारने के लिए। ये मौत हम नहीं कह सकते हैं, ये आकस्मिक निधन जो हुई है ये विश्वविद्यालय के ढुलमुल रवैये की वजह से ये आज हत्या हुई है। क्या नाम है आपका? मैं सौरभ राणा, क्या शोध छात्र हैं हमारे।